जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। लाडली सबसे सम्मान राशि विधवा पेंशन व निराशि संबंधी पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि वृद्धावस्था समान भत्ता योजना के लिए अब बुजुर्गों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वृद्धावस्था समान भत्ता योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। परिवार पहचान पत्र में नागरिक द्वारा दर्ज कराई गई आयु को भी समाज कल्याण विभाग वेरीफाई कर उसकी मंजूरी करेगा। परिवार पहचान पत्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करके अपना रोल अदा कर रहा है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवार की सभी प्रकार की जानकारी और डाटा सरकार के पास दर्ज है। आपको बता दिया जाए कि लगातार बुढ़ापा पेंशन राशि जनवरी में बढ़नी थी वो लंबित रह गई है। अब फिर से सूत्रों के हवाले पता चल रहा है कि 234 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। सरकार की घोषणा के अनुसार हर समय पेंशन में 250 की बढ़ोतरी की जाती है। इस बारे में आपको बता दिया जाए कि न्याय एवं अधिकता ओम प्रकाश यादव ने पुष्टि करते हुए कहा कि जल्द ही मासिक पेंशन बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, हरियाणा में फिर से पेंशन बढ़ोतरी की खबर सूत्रों के हवाले से पता चले। तो दोस्तों जुड़े रहें एडी न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।